सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ और सीएमएस शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव चिकित्सा भी मौजूद रहे। दरअसल ये बैठक सीएम ने चिकित्सा व्यवस्था के मुद्दे पर बुलाई। बैठक का पहला चक्र सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। लोकभवन के सभागार में आयोजित ये बैठक तकरीबन 2 घंटे चली। बैठक में प्रदेश के सभी जनपद के सीएमओ और सीएमएस सहित विभागों के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए। जहां सीएम योगी की पहले दौर की बैठक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रित थी, तो वहीं आज चिकित्सा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया, समीक्षा की, कुछ सवाल, कुछ निर्देश, कुछ आदेश। चलिए रुख करते हैं इस समय हम लखनऊ का। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, काफी एक्टिव मोड में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल कानून के मुद्दे पर 6 घंटे समीक्षा बैठक, आज चिकित्सा के मुद्दे पर। बिल्कुल पूजा, एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल कानून के मुद्दे पे 6 घंटे की बैठक हुई और उसके बाद जो उनके उच्च अधिकारी थे डीजीपी, उनके द्वारा बैठक की गई, मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से आज खुद मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जो है सीएम और सीएमएस की बैठक कर रहे हैं, जो कि आज किया गया, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जब अगर देखा जाए पूरी तरीके से कि इस तरीके की बैठक में जब मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तो कई एजेंडे होते हैं और कई डायरेक्टिव्स उनको दिए जाते हैं। उस पूरे यह बात की रही जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है उसको सही करने के पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में, और सीएमओ के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी अगर उनके द्वारा जो सरकारी योजनाएं स्वास्थ्य से जुड़ी जो आम जन तक पहुंचनी चाहिए और जिनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, अगर वो लाभ नहीं मिलता या शिकायत आती है तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो शिक्षा कानून के साथ साथ स्वास्थ्य भी है आकाश। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हर पहलू पर फोकस कर रहे हैं, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 2022 पर नजर है, इसलिए तैयारियां अभी से। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं वो आने वाले चुनाव की ही चल रही हैं, कि प्रदेश में तरीके की कोई भी ऐसी सरकारी योजना जो आम जन तक पहुंचनी चाहिए जो नहीं पहुंच पा रही है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए कल जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, और उसके बाद आज जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जो है पहुंचाने के निर्देश दिए गए सभी सीएमओ सीएमएस को। कल मैं आपको बताना चाहूंगा, कल पूजा लखनऊ में जो है शिक्षा विभाग को लेकर के बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईएस ये दोनों रहेंगे यहां पर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहेंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी रहेंगी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में, मतलब साफ की समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो कार्रवाई खासतौर पे तब जिस समय जो चीजें और जो निर्देश दिए गए हैं अगर उनके सापेक्ष में किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट आती है तो। बिल्कुल, लोकसभा इलेक्शंस में जो नतीजे सामने आए वो थोड़े से चिंताजनक तो हैं, क्योंकि बेशक वोट परसेंटेज बढ़ा है लेकिन सीटें तो घटी हैं, और ये ग्राफ और न घटे शायद यही वजह है कि अभी से एक्टिव मोड में है पूरी मशीनरी। सबसे बड़ी बात ये उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में जो चुनाव होने हैं वो कई एजेंडेज को लेकर के होने हैं। सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये आता है कि उत्तर प्रदेश में जो कि खास जो आमूमन जो लोकसभा के चुनाव में देखा गया है कि जो योजनाएं हैं उनका जो खासतौर पर प्रचार और प्रसार है वो जमीनी स्तर तक पहुँच गया था, और वही प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग प्रदेश सरकार के मुखिया के द्वारा किया जाता है यही सब बैठकों में दिखाया जा रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से कल निर्देश दिए गए कि डीएम और एसएसपी अपने जिला मुख्यालय में तकरीबन 2 घंटे का टाइम देंगे और आम जनमानस से मिलेंगे, जो कि देखने को मिलता नहीं था कि जो बैठते थे अधिकारियों को ढूंढना पड़ता, इंतजार करना पड़ता था जो है लोगों को जो है 3-3, 4-4 घंटे का, उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होती थी। इसी तरीके से सीएमओ को जो है डायरेक्टर डॉक्टर्स के ऊपर जो है नजर रखने के लिए कहा गया, जो चीज है वहां पर जो है वो पूरी तरीके से ड्यूटी करते नजर आए, किसी भी तरीके की वहां पे गैर हाजिरी ना मिले, और मुख्यमंत्री खुद इसका जमीनी स्तर पर जांच करने के लिए इसके दौरे पे निकलेंगे। ये कहा भी जाता है आकाश कि अमित शाह जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृहमंत्री हैं, और अब अगले अध्यक्ष भी वही होंगे, माना जा रहा है कि उन्होंने पूरी पार्टी को इलेक्शन पार्टी में तब्दील कर दिया है कि एक टारगेट पूरा होता है और अगले टारगेट के लिए पार्टी चल पड़ती है, ये उसी की तैयारी आकाश।
असाइनमेंट मिलता है तो दूसरे असाइनमेंट का इच्छुक जरूर रहता है और जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है जो असाइनमेंट पूरा करके जो है कहीं ना कहीं विजय हासिल कराता है पॉलिटिकल पार्टीज में या सिनेरियोज में। वही सारी चीजें देखने को मिल रही है। अमित शाह का टेन्योर जो बढ़ाया गया है वो आगामी जो लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव आने हैं महाराष्ट्र में हरियाणा में उन्हीं सबकी जिम्मेदारियों को जो है आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। आने वाले जो वक्त है खासतौर पर जो नया साल होगा वो नए अध्यक्ष बीजेपी के रूप में जो है नया चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक गृहमंत्री को और साथ ही साथ वो बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद भी संभालने के मतलब एक दोहरी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। चलिए शुक्रिया आकाश शेखर शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक्टिव मोड में सीएम योगी आज स्वास्थ्य के विषय पर 2 घंटे समीक्षा बैठक।